हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉली हर्षित चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हो गई है सुबह, और सुबह का नज़ारा देखिए। मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। बताते हैं चलो आपको आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। और ये हैं मेरे पति देव जी, ये भी हो गए रेडी। आज है सेकंड डे, तो चलते हैं हम ब्रेकफास्ट करने। तो ये हो गए हम रेवोल्यूट के ब्रेक रेस्टोरेंट में। यहाँ से आप व्यू देखिए। ब्रेकफास्ट कर क्या कलप्पम पे हम बीच में रुके हैं हमारे कैमरे का मेमोरी कार्ड लेने। वो हमको इंसिडेंटली भूल गए हैं बीकानेर में ही, और मेमोरी कार्ड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें। तो ये यहाँ का मार्केट है, मार्केट इन मुनार। ये देखिए ये है मुनार टी गार्डन, हिल्स और वेजिटेशन, पेड़ पौधे। अरे आ गई हमारी डॉली साहिबा, चश्मा तो लगाओ। ये चश्मा लगाने के बाद आप देखिए कैसी लग रही है। ये आपको वैसी नहीं लग रही कि ओ आई एम सो हाई क्लास एंड यू आर सो डाउन मार्केट टाइप गर्ल? नौटंकी बात। इधर आ जाओ, कितना अच्छा लगा मेरे तो। इधर आओ। तो ये टी प्लांटेशन है, पहले आप उधर देखो क्या मौसम है। बादल के बादल छाए हुए हैं पहाड़ों पे, सारी ज़मीन गीली है क्योंकि रोज़ शाम को बरसात हो। अब इधर देखो आप, इधर है ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन पे वो छिड़काव हो रहा है, छिड़काव हो रहा है। ऊपर आप पौधे देखो, पेड़ देखो। पहले हाँ मुनार में ही है, आगे आ देखोगे क्या क्या मिलेगा। हाइडल पार्क और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। ये फिश एक्वेरियम हाइडल पार्क है, उसकी एंट्री टिकट है 50 पर एडल्ट, एंड जो फिश एक्वेरियम है उसकी एंट्री है 30 पर एडल्ट। अब बोलो। थोड़ी देर लगेगी। फिंगर से अरे मजा आ गया मेरे को। मोटिवेट कर रहे थे खुद का, हाल देखो बिल्कुल बीतती है तब पता चलता है कहावत बिल्कुल सही है। तो खाना आ गया है, ये चावल के दाने देखो आप, बड़े अजीब से मोटे मोटे दाने हैं, ठंडा गया। तो अभी हमारे लक्ष्मी होटल, ना लक्ष्मी है ना उसका नेम, हाँ तो लक्ष्मी होटल आए हैं। यहाँ पे हमने मंगवाई है नॉर्थ इंडियन थाली, जो कि है 210 रुपये की। खाना आप देखते हैं कि कैसा है, बताओ खाना कैसा है। यहाँ के नॉर्थ इंडियन खाने में भी साउथ इंडियन खाने का स्वाद
सांभर के मसाले और उन्हीं चीज़ों का स्वाद सबसे ज़्यादा, लेकिन अच्छा लगा, बुरा नहीं। ये थालियों में लेने की इच्छा नहीं हुई, साउथ इंडियन वाली पता नहीं भाई नहीं भाई, और भी लगी भूख बहुत जोरों से ही।